आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A short bar magnet is placed in the magnetic meridian with its north pole pointing towards geographical south. यानी कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसे हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में कुछ इस तरीके से प्लेस किया है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल को पॉइंट करे, राइट। अ न्यूट्रल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है वो हमें 30 सेंटीमीटर पर मिलता है, कहाँ से? मैग्नेट के सेंटर से, ठीक है। इफ़ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज 0.4 गॉस, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। यानी कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 0.4 है तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है मैग्नेट के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है, उसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे फॉर दी फर्दर कैलकुलेशंस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस है r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इट वुड बी इक्वल टू 0.3 मीटर, राइट। देन वी हैव हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है 0.4 गॉस, इसको हम लोग टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद दी 10^-4, ये बन गया आपका टेस्ला, ठीक है। अब हमें उसने क्या बोला है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो पॉइंट कर रहा है ज्योग्राफिकल साउथ पोल को, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा वो एक्सियल लाइन पर करेगा, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा एक्सियल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला और कह सकते हैं कि रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में लगाएंगे, बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल या एक्सियल कंपोनेंट वो हमारे पास है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बाय 4π जिसकी वैल्यू होती है 10^-7। फिर है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमारे पास 0.3 गिवन है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, बी एच की वैल्यू है 0.4 × 10^-4, उसके बाद म्यू नॉट बाय 4π है आपका 10^-7, 2m/r³ आपका रहेगा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आर की वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4 = 10^-3, 2m/r को अब हम पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि इक्वल टू हो जाएगी 5.4 एम्पीयर मीटर स्क्वायर के। हमसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी गई थी और हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई है 5.4 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।